हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फीस, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। द सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज मैं यहाँ एक ग्राउंड रिपोर्ट करने आया हूँ, खास करके लोकसभा चुनाव को लेकर के, क्योंकि लोकसभा चुनाव में जो हरियाणा के जो बड़े दिग्गज थे वो भी चुनाव हार गए। मैंने आपको चौटाला की रिपोर्ट दिखाई थी कि चौटाला गांव में, क्योंकि इनेलो का गढ़ का है और चौधरी देवीलाल का पैतृक गांव चौटाला, वहां भी इनेलो को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की करीब 837 वोटों से। यही हाल चौधरी भजनलाल के पैतृक गांव का भी है। मोहम्मदपुर रोही में इस समय मौजूद हूँ, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने करीब 800 वोटों से जीत दर्ज की है। जीत के क्या मायने हैं, क्या कारण रहे और क्या इस लोकसभा चुनाव का असर विधानसभा तक रहेगा, तो इसी मामले को लेकर के हम गांव के लोगों से चर्चा करेंगे। और आखिर वो क्या कारण थे कि चौधरी भजनलाल के पैतृक गाँव में भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं sadaknama.com। इस समय मैं मौजूद हूं फतेहाबाद जिला के गांव मोहम्मदपुर रोही में और ये हरियाणा में कई बार मुख्यमंत्री रहे चौधरी भजनलाल है, उनका पैतृक गांव है। कारण में तो कांग्रेस ने दे दिया, बस जिता दी वालोगे मैं तो कांग्रेस ने दे दिया लोगे जिता दी वोट टेक दिया वाने वाला मोदी ने डाला हमने वोट पांच वोट मोदी ने पांच वोट मार करके मोदी ने मोदी को दिया हमने कुछ चीजें मोदी जीते तो बढ़िया रहेगा हम। हाँ, अब आगे विधानसभा में इसका असर रहेगा क्या? असर रहेगा, मोदी का रहेगा। फिर इतना लोकसभा चुनाव में कोई हमारे यहाँ के जो नेता है वो उसमें भाग नहीं लेते, इस वजह से लोगों ने अपने हिसाब से, अभी आगे देखो यहाँ की लोकल राजनीति चलेगी उसके हिसाब से तय होगा। आपका क्या मानना है, असर रहेगा? असर तो रहेगा ही, जुनून तो है लोगों में। नरसी जी, तो इस चौधरी भजनलाल का गांव है ये, इस गांव में भी इस बार बीजेपी जीती, क्या कारण रहे? रोड जीती है तो बूथ कैप्चर कर लिया, जीती क्या? अच्छा, बूथ कैप्चरिंग हुई है। तो इसका असर विधानसभा तक रहेगा? विधान कौन छाल तक आ जा चौधरी भजनलाल का पैतृक गांव है और यहाँ जी मैं तो करा ना कोई बात को पता लगे ना कोई बात। ये जो लोकसभा में जो नतीजे आए हैं इसका असर विधानसभा तक रहेगा? कोई पता नहीं, मैं तुम्हारे गांव में राम रोड ही है ऐसा जी। कांग्रेस इस गांव से नहीं आ रही, इस गांव से इस बार वोट बंटे हैं जी। क्योंकि कांग्रेस से हमने, जो भी हमारे कांग्रेसी वर्कर है उन्होंने पूरे जी जान से मेहनत नहीं की जी, मेहनत नहीं की। हाँ, क्योंकि तंवर साहब थे यहाँ से और तंवर साहब कवर नहीं कर पाए। विधानसभा का सिस्टम अलग है, मुद्दा अलग है जी। और दूसरी बात देखते हैं जी, कांग्रेस से कांग्रेस अध्यक्ष कौन होता है। हम तो यही चाहते हैं, हमारी पार्टी कांग्रेस है और हमारे MP रोही से चौधरी भजनलाल जी थे, उनके पुत्र कुलदीप जी है, अगर उनको पार्टी अध्यक्ष बना दिया जाए तो श्योर कांग्रेस की सरकार आएगी जी। हार का सर यही कारण है कि वो जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ता थे हाँ, उनकी वो ना तो ज़्यादा मेहनत हो पाई थी जी। हाँ, जो एक जैसे कांग्रेसी अध्यक्ष है अशोक तंवर जी, जैसे इनका आपसी वो गुटबाजी होना जी। हाँ, तो यही यही कारण रहेगा। हाँ, हाँ, तो इसका लोग विधानसभा तक, विधानसभा तक सर मुश्किल लगता है। हाँ, प्रताप सिंह जी, क्या करते हैं आप? पलदारी मजदूरी करते हैं। ये चौधरी भजनलाल का गांव है, पैतृक गांव है, यहाँ भी इस बार जो बीजेपी जीत गई चुनाव, कांग्रेस हार गई, क्या कारण थे, क्या कारण रहे? अच्छा काम करेगा तो अच्छा जीत होगी जी, माड़ा काम कर माड़ा नतीजा मिलते। ये तो इसका असर रहेगा विधानसभा तक? ये फिर मोदी आएगा, मोदी की सरकार आएगी फिर भी उसके बाद लोकसभा में जो नतीजे आए उसका असर रहेगा विधानसभा तक? होना तो चाहिए, बाकी भाई क्या पता लगा, दुनिया के पता लगा किस साइड में रुख बदल जाए। हाँ जी, आपका क्या नाम है? नाम तो रामेश्वर है जी। तो क्या कारण थे, हार का क्यों सामना करना पड़ा? कारण दंगल में है, कोई पहलवान तेज है वो निकल जाए, कोई शरीर मोटो है वो रज जाए, पतलियों निकल जाए, राजनीति इसी चीज है। भजनलाल हो तो और सिस्टम हो, खिलाड़ी हो, एक हमारा राजस्थान का है बीजेपी का नेता, ये कुछ बता सके। तो इसका असर रहेगा? असर तो रही।
विधानसभा तक भी चलेगा इसका पूरा। हाँ जी आऊँ पूछो जी। मैं तो एक यही कह रहा हूँ अध्यक्ष सही नहीं है यहाँ पे। हाँ जी क्या नाम आपका, कैमरे की तरफ बताइए क्या नाम आपका। जो हरियाणा जो अध्यक्ष है ना उसके लिए मतलब ये फर्क पड़ रहा है। अच्छा जो तौर अध्यक्ष है ना ये जब अध्यक्ष रहेगा तब तक सारी गड़बड़ी है। यही है 10 की 10 जो सीटें कांग्रेस ने आ रही वो अध्यक्ष की वजह से आ रही है। अध्यक्ष की वजह से आ रही है, इसके वजह से राहुल की वजह से दोनों की वजह से। तो फिर जीत राहुल को नहीं चाहते लोग। अच्छा हरियाणा के अंदर इनको तौर को नहीं चाहते। तो क्या होना चाहिए आपके आपके मुताबिक, कोई और अध्यक्ष बदला जाए अच्छा अध्यक्ष, जैसे कुलदीप है या भूपेंद्र हुड्डा है कोई इनमें से आए तो फर्क पड़ेगा। इसका लोकसभा चुनाव में जो नतीजे आए हैं उसका असर रहेगा विधानसभा तक फुल ऐसे ही रहेगा सर फुल मोदी कटर कटर। तो हार के कारण क्या थे चौधरी भजनलाल के परिवार जो गाँव में ही कोई काम करे तो वो देते काम नहीं कर जिंदगी बर्बाद कर दी उनने सारी जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। ये तो 600 कर्मचारी लगे आपके गांव के। हाँ। 600 कर्मचारी भी तो लगे आपके गांव के। तो 1200 वोट मिल गए उनको, 1200 वोट भी मिल गए। अच्छा 1200 वोट मिल गए थोड़े हैं बहुत मिल गए। अच्छा ज्यादा मिल गए। हाँ ज्यादा मिल गए 300। ओनली मोदी का नाम सबके दिमाग में बैठ रहे हैं। अच्छा। ओनली मोदी। अच्छा। किसी कैंडिडेट को कुछ नहीं पूछा कैंडिडेट क्या है वोट किसको देना सिर्फ मोदी एक मोदी को वोट मिला पूरे हिंदुस्तान में। ये। तो इसका विधानसभा हरियाणा में चुनाव ना इतना असर नहीं पड़ेगा वो अलग चीज है ये अलग चीज है अलग अलग चीज। इसका असर रहेगा विधानसभा तक रहेगा। हाँ जी आपका गांव ही जी। हाँ जी सर क्या नाम है आपका। विनोद कुमार। विनोद क्या करते हैं आप। मैं तो जी सोप करता हूँ। सोप है जी अपनी शॉप आपकी। तो क्या कारण मानते हैं हार के दिग्गजों के गाँव में ही जो अपनी पार्टी हार गई। कारण तो अभी क्या बताऊँ जी गाँव का आदमी है कारण कुछ को नहीं जी कोई कारण नहीं है। तो इसका असर रहेगा विधानसभा तक। बात तो अभी टाइम आई जब पता लगा जी अभी तक पड़े हैं टाइम पड़ा है अभी तक टाइम पड़ा है टाइम अभी तक बहुत पड़ा है कुछ भी चेंज हो सकता है कुछ भी हो सकता है। कारण तो सर यही है मान लो कि जो आपकी मन की भावना से वोट मिले। अच्छा ठीक है जैसे मैं अभी मैं काम करूँगा वही है ठीक है जैसे जो काम करें वैसे आपके मन की भावना से वोट दिए उन्होंने ठीक है। हाँ जी बीजेपी को यानी इसका असर रहेगा विधानसभा तक जरूर रहेगा जी असर रहेगा इसका। लेकिन मैंने कह नहीं सकते इसमें भाई किस कारण आ रही है ये कांग्रेस वो उधर बैठे बुजुर्ग बैठे दो तीन। अच्छा आप उससे जाके पता करें तो ये बता दो चलो कारण ना बताओ आप कांग्रेस क्यों आ रही ये बता दो कि इसका असर है वो विधानसभा चुनाव तक रहेगा। इसका असर विधानसभा चुनाव तक रहेगा जी बिल्कुल रहेगा कोई दुराई नहीं है। हाँ बिल्कुल रहेगा जी कोई कारण नहीं कह सके सर पार्टी दबाव है वैसे बीजेपी ठीक है काम अच्छा कर रही है इस वजह से वोट पड़ गए इस वजह से। तो इसका असर रहेगा विधानसभा तक शायद लगभग होना चाहिए असर रहेगा रहेगा बिल्कुल। गांव वाले वोट मतलब वो देते नहीं। अच्छा। क्यों खिलाफ हैं वो काम तो किया नहीं इसलिए ये उसके भतीजे हैं उसी ने भतीजों ने काम नहीं किया तो इसका असर रहेगा आगे विधानसभा तक नहीं कम ही रहेगा नहीं रहेगा सर। हाँ जी आपका क्या नाम। सुनने मिले जी मैं जानकारी को नहीं बारे में। हाँ जी कोई बारे हाँ जी सर महेश कुमार जी। तो क्या कारण रहे हार हार का सामना करना पड़ा गांव से। हार तो जो अच्छा काम करेगा उसकी जीत होगी जी जी है जो करेगा सही करेगा उसको ही मिलेंगे है। इसका असर रहेगा विधानसभा तक ये असर रहेगा बिल्कुल रहेगा रहेगा। मेरे साथ इस मोहम्मदपुर रोही गांव के लोग जिन्होंने अपनी अपनी राय है वो बेबाकी के साथ रखी आपको बताया कि इस गांव में आखिर ये कारण थे जहां से भारतीय जनता पार्टी ने इस गांव में जीत दर्ज की। हमारे साथ आप लगातार बने रहिए क्योंकि चौटाला के बाद मोहम्मदपुर रोही और अगली रिपोर्ट आप देखेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गाँव सांगी की। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो आप फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।